हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होपफुली आपने हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज 31 दिसंबर 2021 है और आज का पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो किसी स्टूडेंट ने जो है मुझे ईमेल करके भेजे हुए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी info@homeacademy786@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन जो है देख लीजिए, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट से भी और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ मैं वो क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। 74 अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है और पूछा क्या गया है आप देख लीजिए कि 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किस पार्ट में आता है। तो पार्ट 9A जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्ट 9A मतलब ये आर्टिकल हमारे 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक आता है। 12th शेड्यूल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आता है। यह हमारे पार्लियामेंट ने पास किया था 1992 में, उसको एनफोर्स किया गया है 1 जून 1993 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कैपिटल ऑफ लीबिया पूछी गई है। आप देख सकते हैं त्रिपोली जो है स्टूडेंट ने ही लिखकर जो है वो भेजा हुआ है। फिर करेंसी ऑफ मलेशिया जो है पूछा गया है रंगेट। अब देखिए फॉरेस्ट एरिया जो है जम्मू कश्मीर में 2019 के मुताबिक ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरेस्ट की वीडियो देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पर जो है मार्गिया रिसन ओवर प्राइस, कल भी जो है क्वेश्चन आया हुआ था, आज की शिफ्ट में भी आया है। तो जिसने कल ये वीडियो देखी होगी हमारी उसको जरूर आज बेनिफिट हुआ होगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो पीस के लिए मिला था। बात की है इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा गया, आईएलओ के बारे में, कल भी ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, आज भी है। तो ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में होगा। फिर जो है जैसे कि मैंने आपको कहा पांच रिट्स है हमारे पास, इन पांचों रिटों में से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो होपफुली कल की शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, तो आप इससे जो है तैयार कर कीजिए क्वेश्चन। तो इन्होंने लिखा है कि रिट रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक बुक का जो है पूछा गया है, व्हाई आई एम एथिस्ट। एथिस्ट ये बुक जो है वो किसने लिखी है, भगत सिंह ने। आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लिखा है इन्होंने कि साउथ पोल जो है रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बट इनको एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर जीके सेक्शन ये लिख रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चन थे, तो जीके में जो है वो क्वेश्चन हाई थे। कल की शिफ्ट में जो है वो कहा गया था कि हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है काफी हाई थे और आज ये। अब एक और क्वेश्चन आया 74 अमेंडमेंट एक्ट से, इट केम इनटू फोर्स। तो 74 अमेंडमेंट एक्ट जो होगा 1 जून 1993 में जो आई है। फिर क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज इन कठुआ। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे कि रावी रिवर है वो भी वहां से फ्लो करेगा और उज रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ से कह सकते हैं ये भी। अब एक क्वेश्चन जो है वो लोकपाल जो है इसके रिलेटेड है कि लोकपाल इट कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। तो लोकपाल में जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं वो 8 मेंबर्स होंगे, जिनमें से एक चेयरपर्सन होगा। तो ये जो है आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जो है आज में पूछे गए हैं। बाकी जो पॉलिटी में क्या पूछा गया, मतलब सिविक्स में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब कोई शेयर करेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। और साथ में जो है ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे YouTube चैनल के साथ जो है फेसबुक को पे भी जो है फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, ताकि जो है वहाँ पर डेली बेसिस पे जो है वो क्विजेज करवाई जाती है, इन्फोग्राफिक्स अपलोड की जाती है जो कि एग्जामिनेशन के ही रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।